हेलो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली वेव इक्वेशन के बारे में। आगे हमने पढ़ा था बोहर मॉडल की बात की थी और बोहर के ड्रॉबैक की बात की। आज हम स्टार्ट करेंगे डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। अब सबसे पहले तो डी ब्रोगली है, उसने एक बोल्ड हाइपोथेसिस दी जो कब दी, 1924 में, और उसमें उसने बोला कि जो मैटर है वो मैटर ड्यूअल नेचर वाला होता है, और मैटर के ऊपर उसने बोला कि भाई ऑल एनर्जी इन दिस यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ मैटर, पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो कैसे फॉर्म है, मैटर के और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में है, और दोनों कैसे है, ड्यूअल नेचर वाले। ड्यूअल नेचर में पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर है, और अ वेव इज एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल। जो वेव पार्टिकल के साथ अटैच है वैसे वेव को क्या बोला गया, डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव बोला गया, राइट। तो ये तो डी ब्रोगली ने ऐसी हाइपोथेसिस की, ऐसा रियल में था नहीं, ऐसे ही बोल दिया उसने कि ऐसा होगा। तो उसने दो इक्वेशन लिए अपना डी ब्रोगली वेव इक्वेशन फाइंड करने के लिए। पहला एक एनर्जी ऑफ फोटॉन लिया E इक्वल टू एच वी। अब हमें पता है ये E इक्वल टू एच वी मीन कौन सा है, इक्वेशन है प्लैंक इक्वेशन है, और E इक्वल टू क्या होता है, एच सी एल बाय लैम्डा। क्यों, H मीन्स प्लैंक कांस्टेंट, V मीन्स फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, C बाय लैम्डा। C मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, राइट। तो पहला इक्वेशन ये फाइंड किया उसने। दूसरा इक्वेशन लिया उसने E इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट, मीन्स ए इक्वेशन किसका है, आइंस्टाइन इक्वेशन है। आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या है, एम सी स्क्वायर, मीन्स इसका पूरा टू टाइम स्क्वायर लिया, मीन्स एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें पी मीन्स मोमेंटम है और सी मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो इन दोनों को क्या बोला गया, रियल इज मीन्स मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ लाइट दोनों की वैल्यू है, और मास और वेलोसिटी ऑफ लाइट है उससे कितनी है, बहुत ही लेस देन है, मीन्स उसको निगलेक्ट करो तो भी चलता है। मीन्स एम जीरो जो है वो रेस्ट मास है, और रेस्ट मास पार्टिकल के हिसाब से देखे तो कैसा होता है, जीरो होता है रेस्ट मास पार्टिकल के लिए। नॉर्मल जो फोटन होते हैं उसके लिए मास कितना होता है, जीरो, फोटन मीन्स लाइट, और नॉर्मल पार्टिकल है तब मोमेंटम भी कैसे होते हैं, बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू मास एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट के कम्पेयर, ओके। तो इसी वजह से जो आप एम नॉट जीरो लोगे तो जीरो के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, मीन्स ई इक्वल टू क्या बचेगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, पी स्क्वायर सी स्क्वायर मीन्स क्या होगा, ई इक्वल टू पी सी हुआ, ओके। तो ई इक्वल टू पी सी और ई इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा। अब दोनों को कंपेयर करें तो यहां से क्या लिया, मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, और यहां पे प्लैंक मल्टीप्लाई बाय सी और डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब दोनों को कंपेयर करें, मींस यहां पे मैंने दो इक्वेशन को कंबाइन किया, एक प्लैंक इक्वेशन को और दूसरा इक्वेशन कौन सा, आइंस्टाइन इक्वेशन को क्या किया, कंबाइन किया। अब वेवलेंथ के हिसाब से देखे तो एस सी बाय पी सी है, एस सी सी कैंसिल तो क्या बचा, एच अपॉन पी, एच मीन्स प्लैंक कांस्टेंट, पी मीन्स मोमेंटम। ये जो इक्वेशन मिला उसको डी ब्रोगली ने बोला कि ये इक्वेशन है वो कैसा इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन वैलिड फॉर ऑल द वेव्स एंड पार्टिकल्स, ऐसा बोला गया, ओके। पर दोनों के लिए वैलिड होगा कि नहीं होगा वो उसने प्रूव नहीं किया, उसने खाली बोल दिया, जिसको प्रॉब्लम है वो उसको प्रूव करके दिखा, ओके। तो फाइनल उसका डी ब्रोगली का जो इक्वेशन मिला वेव का, तो वेवलेंथ इक्वल टू एच अपॉन एम वी मीन्स मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, बट मास कैसा लेना है, ऑब्जर्वेबल ओनली व्हेन एम इज एक्सट्रीमली स्मॉल, मास एक्सट्रीमली स्मॉल होगा तभी ये इक्वेशन क्या होगा, वैलिड होगा। तो फाइनली डी ब्रोगली का जो इक्वेशन है वो क्या है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, मीन्स डी ब्रोगली ने बोला कि भाई जो इक्वेशन मैंने फाइंड किया है वो इक्वेशन दोनों के लिए वैलिड है, पार्टिकल के लिए भी और वेव के लिए। अब
आपको पता होना चाहिए कि वेव है तो पार्टिकल और वेव में क्या डिफरेंट है। हमने आगे पार्टिकल और वेव दोनों का डिफरेंट देखा था, बट वेव की कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि क्यों। तो हम वेव की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि वेव कैन एग्जिट एट टू प्लेस एट द सेम टाइम। मीन्स वेव है वो एग्जिट हो सकता है टू प्लेस के ऊपर एट द सेम टाइम, एक ही टाइम के ऊपर। जैसे कि मैं हूं तो भी आपको पढ़ा रहा हूं और दूसरी जगह में भी पढ़ा रहा हूं, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। पार्टिकल में ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, बट वेव एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है कि वो दोनों प्लेस के ऊपर एक साथ एक ही टाइम के ऊपर क्या हो सकता है, एग्जिट हो सकता है। ये तो साउथ वाला मूवी हो गया, बिहीरो यहाँ पे भी है और दूसरी जगह पे भी दिखाई दे रहा है। वहां पे तो इमेजिनेशन इसलिए पॉसिबल कर देते हैं वो लोग कैमरा की ट्रिक से, बट रियल में ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। दूसरा, वेव कैन मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर विदाउट बीइंग इन बिटवीन। बीच में कहीं पे भी नहीं होगा वेव, वेव मूव हुआ वन प्लेस टू अनदर प्लेस के ऊपर, तो इन बिटवीन होना जरूरी है नहीं वेव में। बट पार्टिकल में तो क्या होता है, इन बिटवीन होता है, ऐसे ऐसे जैसे पार्टिकल होता है दूसरे पार्टिकल जाना यहाँ पर तो सब पार्टिकल इन बिटवीन हो गए, बट वेव में ऐसा होगा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेव के पास एक कैरेक्टरिस्टिक है इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन। अब इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन हमने देखा हुआ है, तो आप देखो कोई वेव ऐसे है, चलो दूसरा वेव है वो भी ऐसे है, राइट। तो ये दोनों वेव मिल जाते हैं तो एक बड़ा सा वेव बन जाता है, कंस्ट्रक्टिव वेव की तरह, ओके। बट कोई वेव ऐसे है और दूसरा वेव उसके ओपोजिट में है, ओपोजिट, ओके। तो क्या हो जाता है, डार्कनेस क्रिएट हो जाता है, मीन्स वेव गायब हो जाता है। तो ये तो बात हुई इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन, वेव के दो नेचर। आप सोचो बेटा कि कोई वेव यहां से आ रहा है, कोई वेव यहां से आ रहा है, दो वेव है, एक बड़ा सा वेव बनेगा और दूसरा एक वेव यहां से निकल जाएगा और एक वेव यहां से निकल जाएगा, तो ये हुआ इंटरफेरेंस। अब डिफ्रेक्शन देखे तो क्या होगा, अब देखो पार्टिकल हो गए तो पार्टिकल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक जगह है यहां से कार गई यहां से एक कार गई, दोनों कार टकराई और दोनों कार गायब हो गई, ऐसा पॉसिबल है? और एक कार यहां से निकल गई और दूसरी कार यहां से निकल गई, ऐसा पॉसिबल पार्टिकल में होगा नहीं है। मीन्स जब पार्टिकल इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन जैसी प्रॉपर्टी फॉलो करे तभी वो वेव नेचर को क्या कर सकता है, मैच कर सकता है, ऐसा डी ब्रोगली ने बोला। तो इसको प्रूव करने के लिए दो लोग आए थे, डेविएशन और दूसरे, वो दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले हम डी ब्रोगली का जो इक्वेशन हमने मिला लास्ट में वेवलेंथ वाला, वेवलेंथ इक्वल टू क्या मिला था, एच पी में क्या लिखा था, वेवलेंथ इक्वल टू एच एम वी, राइट। तो इस इक्वेशन के थ्रू क्या कंक्लूजन मिलता है, पहला लाइटर द पार्टिकल, पार्टिकल जितना लाइटर होगा उतनी डी ब्रोगली की वेवलेंथ कैसी होगी, ज्यादा होगी। पार्टिकल जितना लाइट मीन्स मास जितना लाइट उतनी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ज्यादा होगी। द फास्टर द पार्टिकल मूव, जितना फास्टर पार्टिकल मूव होगा स्मॉलर इट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, पार्टिकल जितनी फास्ट मूव होगा जितनी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, राइट। The डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, डी ब्रोगली की जो वेवलेंथ है उसका जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंट है, उसको पार्टिकल नेचर और दूसरे चार्ज से लेना देना नहीं है, उसका तो इंडिपेंडेंट चार्ज होगा, राइट। द मैटर वेव इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिव इन नेचर, मैटर वेव है पहले ही मैंने बोला था कि उसने बोला था कि होल यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैटर के ऊपर। बट मैटर वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है नहीं, ये पता चलता है हमें। और दोनों एक दूसरे से कैसे है, डिफरेंट है, कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस ओनली बाय द चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होते हैं वो चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होते हैं, बट डी ब्रोगली की जो वेवलेंथ है वो पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट है,
ऑफ द चार्ज, इसी वजह से दोनों में क्या है डिफरेंट दिखाई देता है। यही क्या है डी ब्रोगली का जो वेव इक्वेशन है उसका कंक्लूजन है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो डी ब्रोगली ने बोला कि वेव और पार्टिकल जो दोनों इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन दिखाए तो दोनों सिमिलर सेम है, तो वो प्रूव नहीं किया, तो उसको प्रूव कौन करता है और वो कैसे प्रूव करते हैं डेविएशन, तो उसके बारे में मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा। अभी तक हमारा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।